हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल दी टैरोट वाइब्स। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे। सो ये रीडिंग होने वाली है 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। इन 15 दिनों में कैसी एनर्जी रहेगी, सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई एम स्टार्ट करते हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि, अगर आपकी सन मून राइजिंग लिब्रा है यानी कि तुला राशि, सो रीडिंग आपके लिए है, ज़रूर देखिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ठीक, सो दोस्तों यहाँ पर मुझे आपके लिए जो थर्ड वीक की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, फोकस्ड है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को रूल करते हो, बट गाइस कहीं ना कहीं कोई आपको फॉलो ज़रूर कर रहा है, कोई दूर से ही सही आपको फॉलो ज़रूर कर रहा है। हो सकता है आपने उसे इग्नोर किया हो, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर, बिकॉज़ यहाँ पर आपको कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है बट आपको फॉलो ज़रूर कर रही है बहुत टाइम से। एंड यहाँ पर फोर्थ वीक में कहीं ना कहीं उस एनर्जी की वजह से आपकी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज्ड हो सकते हो। सो गाइस यहाँ पर आपके लिए जो भी आपको फॉलो कर रहा है वो भले ही आपकी पहचान का हो या फिर आप उन्हें नहीं जानते हो, बट गाइस जो भी एनर्जी है वो आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रही है, जिनकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी बनाई है एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कन्फ्यूज़ हो रहे हो। सो आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखें, सो आपके पार्टनर के लिए थर्ड वीक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, उनकी फैमिली का सपोर्ट है उनकी तरफ से, इस रिलेशनशिप वाइज वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी तरफ से आपके रिलेशनशिप में नहीं है। यहाँ पर वो बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे, बहुत कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे अपनी लाइफ में, बट उनकी लाइफ में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, वो सोचते बहुत ज़्यादा है और एक्शन बहुत कम लेते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा, आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी गैप आती होगी, बिकॉज आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इस 2 हफ्तों में वो थोड़े से बैलेंस्ड रहेंगे, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, प्रॉब्लम आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन एंटर ज़रूर कर रहा है या फिर आपको आपके ऊपर बहुत टाइम से कोई नेगेटिव पर्सन नज़र ज़रूर रखा है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए और आप उसके प्रोटेक्शन के लिए आप अपने बॉडी पे कहीं पर भी काला धागा ज़रूर कैरी कीजिए, काला धागा ज़रूर पहनिए। ओके, सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। The energy is gaining momentum. तो गाइस कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है आपके ऊपर। इस वक्त तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा आगे तक जाओगे, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे पोजीशन में पहुँचोगे,
बस इस वक्त थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको जो भी लगता है कि ये चीज़ आपसे नहीं हो सकती है, आपसे नहीं होगी, आपको उस चीज़ पर भरोसा रखना है और आपको अपने एक्शंस लेने हैं। जो भी होगा वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बट जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये आगे अच्छा हो सकता है, आप उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लीजिए। बिकॉज आपको ऐसा फील होता है कि आपसे नहीं होगा, आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो कभी कभी, सो आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। आपको जो भी लगता है कि आपको करना चाहिए उसे आप दिल खोलकर कीजिए, पूरी नॉलेज के साथ कीजिए, और बाकी जो भी होना है वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। ओके, आपके लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है आपसे। ओके ओके गाइज, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।